हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में अर्था अलंकार, जिसमें उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्था अलंकार पढ़ेंगे। अर्था अलंकार मतलब जब अर्थ के द्वारा कविता में सौंदर्य मतलब चमत्कार आए, उसकी सुंदरता कविता की बढ़ जाती है। किसके कारण? अर्थ के कारण, तब वहां पर अर्थालंकार होता है। इसके पहले हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा। शब्दालंकार में आपको याद है शब्द से कविता की सुंदरता बढ़ती थी, और जब कविता की सुंदरता अर्थ के कारण बढ़ी तब वहां पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के उपप्रकार उपभेद देख लेते हैं। अर्थालंकार के भी शब्दालंकार की तरह तीन उपभेद हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एक महत्वपूर्ण बातें अर्थालंकार बारे में जान लें कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। तो ये एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन बिना इनकी जानकारी के आप उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक उदाहरण। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इस उदाहरण में उपमेय हम लोग देखते हैं क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। तुलना करना यानी कंपेयर करना, आप जानते हैं, किसी को किसी के जैसा बताना, यानी जिसकी तुलना की जाती है अर्थात जिसे किसी के समान बताया जाता है, वह क्या होता है? उपमेय। यानी जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, एक व्यक्ति को दूसरे के समान बता रहे हैं, जिसे आप समान बता रहे हैं वह क्या होगा? उपमेय होगा। जैसे इस उदाहरण में सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे सीता जी का मुख जो है यह उपमेय है, यानी इसको दूसरे के समान आप बता रहे हैं। इसी तरह से तो अगला है उपमान। उपमान जिससे तुलना की गई हो, जिससे तुलना की गई हो अर्थात किसी को जिसके समान बताया गया हो। अब यहाँ पे सीता जी के मुख की तुलना की गई थी या उपमेय हुआ, तो किससे उसकी तुलना की गई? चंद्रमा से, बराबर। तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हो गया। उपमेय और उपमान क्लियर होगा। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है अर्थात जिसे किसी के समान बताते हैं, और उपमान मतलब जिसके समान बताते हैं वह उपमान होता है। जैसे सीता जी का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। आगे बढ़ते हैं साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या है? जो उपमेय उपमान दोनों में समान हो अर्थात जिसके कारण दोनों की तुलना की गई हो। अब आप एक को दूसरे के समान बता रहे हैं तो कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा, दोनों में कुछ कॉमन थिंग्स होंगे जो दोनों में है, तो वह क्या है जिसके कारण आपने एक को दूसरे के जैसा बताया, समान बताया? तो साधारण यानी साधारण धर्म का अर्थ है जो दोनों में होता है, उपमेय में भी होता है, उपमान में भी होता है। जैसे उदाहरण में देखें, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पे चंद्रमा भी सुंदर है, सीता जी का मुख भी सुंदर है। इस तरह से सीता जी का मुख यह उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, तो दोनों में तुलना क्यों हुई? सुंदर होने के कारण। साधारण धर्म क्या हुआ? सुंदर। क्यों है सुंदर? क्योंकि वह उपमेय और उपमान दोनों में है। क्लियर है? आगे चलते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द जिस शब्द से तुलना की गई हो अर्थात जिससे आपने एक को दूसरे के समान बताया हो, वह शब्द आपको देखना होता है, वह भी कविता की पंक्ति में होती है। समानता जिससे आपने बताई हो
उसे आप कहते हैं वाचक शब्द। जैसे ऊपर के उदाहरण में अगर देखें तो सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो हमने कौन से शब्द से सीता जी के मुख की चंद्रमा से तुलना की है, वह है के समान। तो के समान यहाँ पे वाचक शब्द हुआ। अब सबसे पहले हम लोग अर्थालंकार में उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है? जब एक वस्तु को अथवा व्यक्ति को दूसरी प्रसिद्ध वस्तु अथवा व्यक्ति से तुलना कर देते हैं, यानी एक को दूसरे के समान बता देते हैं, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे आप कहें इस तरह से कुछ कि सविता राणा के समान है, तो आपने सविता को राणा के समान बताया, यानी एक वस्तु को दूसरे के समान बता दिया। तब वहां पर जब आप एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु से करेंगे तब वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उदाहरण क्लियर है? जैसे आप कहें कि बबली मलका के समान है या बबली मलका के जैसी है, तो बबली की तुलना आपने क्या किया? मलका से कर दिया। या फिर आप यह कहते हैं कि सूरज सतेंद्र के जैसा है, तो सूरज की तुलना आपने सतेंद्र से की। जब एक की तुलना दूसरे से आप करेंगे तब कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब उदाहरण देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण वही, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उसमें सीता जी का मुख मुख व उपमेय है, और उसकी सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा उपमान से की गई है, और यहाँ पर साधारण धर्म क्या है? सुंदर है। और किस वाचक शब्द से इनकी तुलना की गई है? वाचक शब्द है के समान। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार। अब अगर आपको उपमा अलंकार आपको जानना है तो जरूरी है कि आप वाचक शब्द याद कर लें। केवल और केवल जैसे ही आप देखें कि यहाँ वाचक शब्द के समान आया तो यह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। क्लियर है? परीक्षा में आपको केवल प्रकार और उपप्रकार लिखने होंगे। अगर आप उपप्रकार समझ गए, और उपप्रकार कैसे समझेंगे? वाचक शब्द से। अर्थालंकार में उपप्रकार वाचक शब्द से समझेंगे। वाचक शब्द हमें मिला के समान, और यह होता है उपमा अलंकार का वाचक शब्द। तो यहाँ पे उपप्रकार वाचक शब्द और उपमा अलंकार यह किसका प्रकार है? अर्थालंकार का। क्लियर है? तो सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। हमें यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पे के समान वाचक शब्द आया है और इस कारण यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द मैं आप लोगों को यहाँ बताए दे रहा हूँ, इसे आपको नोट करना होगा बाद में। उपमा अलंकार में यही वाचक शब्द होते हैं, समान या के समान, तरह, जैसा, तैसा, यथा, सा, सी, ऐसा, सरिस, से, सदृश, तुल्य, सम, ये जितने हैं ये सब किसके वाचक शब्द हैं? उपमा अलंकार के। इन्हें आपको याद करना होगा। मतलब कविता की पंक्ति में इनमें से कोई एक भी दिखा तो वहां पे सबको जान जाना है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब आगे चलते हैं कि एग्जाम में कैसे होगा। एग्जाम में कुछ इस तरह से आपको आएगा, ध्यान रखें, एग्जाम में इस तरह से आएगा कि अलंकार पहचान कर उसका प्रकार और उपप्रकार लिखिए। जैसे वही उदाहरण, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आपको प्रकार में लिखना है अर्थालंकार और उपप्रकार में उपमा अलंकार। अब यहाँ पे ये जो नोट लिखा है, आपको नोट लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वह समझने के लिए दिया है। आप कैसे समझेंगे? यहाँ पे केवल और केवल जो यहाँ पे आया वाचक शब्द है उससे, बाकी ये जो चीजें लिखी है तो आपके समझने के लिए लिखी है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि यहाँ के समान वाचक शब्द आया है, इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है, और प्रकार कौन सा? अर्थालंकार। ठीक इसी तरह से अगर आगे देखें हम दूसरा उदाहरण,
नील गगन सा शांत हृदय था। अभी अभी हम लोगों ने वाचक शब्द पढ़ा तो सा आया। सा किसका वाचक शब्द है? उपमा अलंकार का। तो प्रकार अर्थालंकार, उपप्रकार उपमा अलंकार। यह नोट आपके समझने के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। फिर से आ गया सी। सी किसका वाचक शब्द है? उपमा अलंकार का। तो प्रकार अर्थालंकार, उपप्रकार उपमा अलंकार। क्लियर है। इसी तरह से बरस रहा है रवि अनल, बोतल तवा सा जल रहा, सा आ गया। तो प्रकार अर्थालंकार, उपप्रकार उपमा अलंकार। बाकी ये नीचे जो दिया है यह सब उसका स्पष्टीकरण है। ये पूरा स्पष्टीकरण है आपके समझने के लिए दिया है, डाउट आए तो। यह अगला पांचवा जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आपको आ सकता है। पीपल पात सरिसमन डोला। आपको याद होगा, अगर आप देखेंगे थोड़ा पीछे जाके वीडियो में, तो आपको मिलेगा कि सरिस यह उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। तो यहाँ अर्थालंकार फिर उपमा अलंकार, आराम से आप पहचान सकते हैं। अगला है, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी। मैंने आईएमपी दिया है, मतलब बोर्ड में आना चाहिए। यहाँ पे फूल सी, सी वाचक शब्द, उपमा अलंकार। इसी तरह से अगला उदाहरण, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब सम आया, मिला सम, सम ये वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। अब आप बोलेंगे फिर से कि सर मुझे कहाँ से समझेगा? अभी अभी वीडियो में पहले मैंने शुरुआत में बताया उपमा अलंकार के वाचक शब्द, वहां पे आपको ये सब मिलेगा। तो सम आया तो उपमा अलंकार, वाक्य प्रकार अर्थालंकार। इसी तरह से उसका स्पष्टीकरण भी आपको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है वाचक शब्द सम है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार। एग्जाम में केवल प्रकार और उपप्रकार ही लिखना है। अब अर्थालंकार के दूसरे प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में चलते हैं। यह क्या है? जहाँ उपमा में था कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, उसके समान बताया जाता है, वहीं यहाँ पे उत्प्रेक्षा में कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। वहां पे तुलना करते हैं, उसके समान बताते हैं, यहाँ पे उसको मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मलका बबली के समान है, वह उपमा अलंकार था। तो मलका मानो बबली है, यह जो है उत्प्रेक्षा हो गया। जब एक वस्तु को या एक व्यक्ति को दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति मान लिया जाता है, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे गांधी जी मानो भगवान है, तो उनको मान लिया, क्या मान लिया? भगवान मान लिया। या पत्थर मानो भगवान है, तो उसको क्या पत्थर को माना? भगवान। जब एक को दूसरी वस्तु आप मानेंगे तो वहां पे अलंकार होगा उत्प्रेक्षा। उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर क्या है? उपमा में एक को दूसरी वस्तु के समान बताते हैं आप, और उत्प्रेक्षा में एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते। जैसे वहां पर उदाहरण था कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वहां पे आपने सीता जी के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया हुआ था, तुलना की थी के समान बताया। यहाँ पे उदाहरण है, सीता जी का मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ पे आपने सीता जी के मुख को क्या माना है? चंद्रमा माना है। क्लियर है उत्प्रेक्षा? जब एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु या व्यक्ति मान लिया जाता है, तब वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोर्ड में उत्प्रेक्षा अलंकार के बहुत एग्जाम्पल आते हैं। अब इसमें देखें, सीता जी का मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे ऊपर के उदाहरण में सीता जी का मुख जो है यह उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, और यहाँ पे वाचक शब्द आया है मानो, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह भी ध्यान में रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में साधारण धर्म नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ एक वाचक शब्द जान लेते हैं। जैसे वहां पे था तो वैसे ही इसका अलग है, मानो मन जानो जन मनहु जनहु ज्यों मनो मानहु
आदि शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार को अगर आपको पहचानना है तो आपको ये सभी शब्द याद हो। जहां ये कविता में दिखे आप जान लीजिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है? अब आगे हम लोग करेंगे, वहां पे आपको देखना है कि वाचक शब्द कहाँ है। एग्जाम में आपको जो मिलेगा कुछ इस तरह से मिलने वाला है कि अलंकार पहचान कर उसका प्रकार उपप्रकार लिखिए। प्रकार का मतलब हो गया कि अर्थालंकार या शब्दालंकार, उपप्रकार का मतलब अगर अर्थालंकार है तो उपमा है, उत्प्रेक्षा या रूपक है। अब देखते हैं, सीता जी का मुख मानो चंद्रमा है। अब मानो वाचक शब्द आया तो यहाँ पे प्रकार अर्थालंकार, उपप्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने कैसे पहचाना उत्प्रेक्षा, इस वाचक शब्द से, और नीचे उसका स्पष्टीकरण दिया गया है आपको समझने के लिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ऊंचा होता ताड़ का वृक्ष मानो छूते अंबर तल को। मानो आया और यह इम्पोर्टेंट भी है, मानो वाचक शब्द आया तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार और प्रकार अर्थालंकार। नीचे उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। आगे चलते हैं, तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनव नीलमन शैल पर आतप परो प्रभात। आपको ज्यादा नहीं जानना, यहाँ पे वाचक शब्द आ गया मनो। जब मनो वाचक शब्द है तो वह किसका वाचक शब्द है, उत्प्रेक्षा का। तो यहाँ पे प्रकार में उत्प्रेक्षा, उपप्रकार में उत्प्रेक्षा, प्रकार में अर्थालंकार। अगला एग्जाम्पल है तो इस साल बोर्ड में आया हुआ था, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यहाँ पे वाचक शब्द मिल गया हमको मनो, तो उपप्रकार है उत्प्रेक्षा और प्रकार है अर्थालंकार। इसी तरह से अगला उदाहरण देखें, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। यहाँ पे देखेंगे तो ज्यों आया, और अभी अभी हमने पढ़ा कि ज्यों वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो प्रकार अर्थालंकार, उपप्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार। नीचे स्पष्टीकरण भी दिया है। अगला है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के। अब यहाँ पे आया ज्यों, तो ज्यों हम जानते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है और प्रकार है अर्थालंकार। आगे बढ़ते हैं, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार। कैसे पहचान रहे हैं आप, वाचक शब्द से। अगला है, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सभे चली आई, जनु उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार। कैसे जाना, वाचक शब्द जनु से। नीचे स्पष्टीकरण है। अगला है, लता भवन ते प्रकट भय ते ही अवसर दो भाई, मनु निक्षे जग विमल विदु जलद पटल विलगाए। मनु आया उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार। मनु क्या है, वाचक शब्द। किसका वाचक शब्द, उत्प्रेक्षा अलंकार का। कहां से पता चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां तक हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार पूरा हुआ। अर्थालंकार के तीसरे प्रकार रूपक अलंकार में अब इसको समझ लेते हैं। उपमा में क्या था, एक को दूसरे के समान बताया, मलका बबली के समान है। उत्प्रेक्षा में क्या रहा, एक को दूसरी वस्तु मान लिया कि मलका मानो बबली है, और तीसरे रूपक में एक को दूसरे का रूप दे देते हैं, गेटअप दे देते हैं, मलका ही बबली है, मलका बबली है। तो एक में उपमा में जहां पे आप एक को दूसरे के समान बताते हैं, तो उत्प्रेक्षा में एक को दूसरा मान लेते हैं, और रूपक में एक को दूसरा बना देते हैं। जैसे आप लोग हीरो हीरोइंस का रूप ले लेते हैं, वैसे ही यहां पर भी। जब अधिक समानता के कारण, अधिक सिमिलैरिटी के कारण एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु या व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है, जैसे किसी को भगवान का रूप दे दिया जाता है उसका गेटअप चेंज करके, वैसे ही एक को दूसरे का रूप दे दिया जाता है तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। बराबर, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहाँ पे देखें, चंद्र खिलौना, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को क्या बना दिया गया है, खिलौना बनाया गया।
यानी जब चंद्रमा को किसका रूप दिया, खिलौने का रूप दिया, तो एक को दूसरी वस्तु बना दिया। इस तरह से जब एक को दूसरी वस्तु आप बनाएंगे तो वहां अलंकार कौन सा होगा, रूपक। यह ध्यान में रखना है, रूपक अलंकार में वाचक शब्द साधारण धर्म दोनों ही नहीं होते हैं। क्लियर होगा रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार के स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जो कि मैंने बताया कि चंद्र को खिलौने का रूप दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। रूप देने का अर्थ है बना देना, चंद्र को खिलौना बना दिया गया है। अब एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा अलंकार पहचान कर उसका प्रकार उपप्रकार लिखिए। प्रकार का मतलब शब्दालंकार या अर्थालंकार। अर्थालंकार की बात करें तो उसमें उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है। पहला उदाहरण आपका हो चुका है, दूसरे उदाहरण में चलते हैं हम लोग। बंदों चरण कमल हरिराई, चरण कमल, चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमल का फूल। चरण को, पैरों को किसके क्या बना दिया गया, कमल बना दिया गया। तो यहाँ पर एक वस्तु चरण यानी पैर को कमल का फूल बनाया गया है, उसका रूप दिया गया, इसलिए यहाँ पे उप प्रकार है रूपक अलंकार, प्रकार है अर्थालंकार। क्लियर है, एक को दूसरे का रूप दिया, स्पष्टीकरण यहाँ पे नीचे दिया है। तीसरे उदाहरण में चरण सरोज पखारन लागा। अब यहाँ पे चरण सरोज, सरोज मतलब कमल, फिर से चरण यानी पैरों को क्या बना दिया गया, सरोज बना दिया गया। किसका रूप दिया गया पैरों को, सरोज का। तो उप प्रकार रूपक अलंकार, प्रकार अर्थालंकार, यहाँ स्पष्टीकरण दिया है, डाउट है समझ सकते हैं। अगला उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। बीती बिभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर को क्या बनाया, पनघट। पनघट क्या है, जहाँ पे पानी भरते हैं। अंबर क्या, आसमान। आसमान को पानी भरने वाला स्थान बना दिया। तारा घट, और तारे जो आकाश में चमकते हैं उनको घट यानी घड़ा बना दिया। उषा नागरी, उषा यानी सुबह के समय, सुबह का समय प्रातः काल, उसको नागरी, नागरी मतलब चतुर स्त्री बना दिया। तो यहाँ पे तीन जगह रूपक है, अंबर को पनघट बनाया गया, तारा को घड़ा बनाया गया, उषा को नागरी बनाया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है और यह अर्थालंकार का प्रकार है। क्लियर है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे देखें तो कुछ एक लोग कहते हैं कि राम को, भगवान श्री रामचंद्र जी को रत्न रूपी धन बनाया है, यानी रत्न बता दिया। रतन मतलब रत्न, बहुत ही बहुमूल्य, इसलिए राम को रत्न का रूप दिया, इसलिए भी रूपक है। कुछ एक कहते हैं कि राम रत्न जो है उसको धन का रूप दिया गया, दोनों ही सही है। यहाँ पे राम को रतन का रूप दिया गया या राम रतन को धन का रूप दिया गया, यानी धन मान लिया गया, राम के नाम को धन मान लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार अर्थालंकार है। अगले उदाहरण में बंदव गुरुपद पदुम परागा। अब यहाँ पे देखेंगे गुरुपद यानी गुरु के चरणों को पदुम परागा अर्थात कमल, कोमल कमल के जैसा बताया गया, तो कोमल कमल बना दिया गया है गुरु के पैरों को, इसलिए रूपक अलंकार। और यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे नीचे कुछ एक मिश्र है, एकदम मिक्स है। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब यहाँ बेनी बेनी दो बार आया, तो यहाँ पर जब एक शब्द दो बार आए दोनों के अलग अर्थ हो, तो यहाँ अमक अलंकार शब्द अलंकार। अगला उदाहरण है मानो घर घर ना हो जैसे चिड़िया घर हो, मानो आया, तो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार का प्रकार। अगला है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क क क, तो यहाँ पे एक अक्षर बार बार अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार। उसका ए आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। मानो, मानो मतलब आपका उत्प्रेक्षा अलंकार।
अगला है। इसी तरह उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्यों? यह मंच को उदयगिरि अर्थात उदय पर्वत बताया गया, रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी को बाल सूर्य बताया गया, संतों को कमल बताया गया और आंखों को भंवरा बताया गया, इसलिए यहाँ पे रूपक है।